आओ बेटे, अच्छे हो ना? और घर में सब ठीक है? सब लोग अच्छे हैं। ये कौन है? मेरी रिश्तेदार है। क्या हुआ इसे? एक एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसी हो गई। फिकर मत करो, इस देवी से मिलने आ गए ना, सब कुछ ठीक होगा। पुजारी जी, इसे देखिएगा, मैं एक कॉल लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, को व्हील चेयर पे जाते देखा क्या? हेलो। हाँ, यहाँ किसी लड़की को व्हीलचेयर पे देखा क्या? नहीं, मैंने यहाँ तो किसी को नहीं देखा। Hey! Oh! Oh!
इसको देवी माँ का आशीर्वाद दिला के दे दीजिए। ये कैसी ताबीज है? रोज रात को उठकर कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। मुझे लगता है ये भूत प्रेत देखकर डर गया है, इसीलिए आप ये तावीज बांध देंगे तो जरा हिम्मत रहेगी इसमें। क्या हो रहा है बेटा आपको? जब मैं बाइक चलाता हूँ अचानक कोई गाड़ी मुझसे टकरा जाती है और मैं मर जाऊंगा, ऐसा सपना आता है। इस तरह से 2-3 बार सपना आया है पुजारी। कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा सपना ही है। तुम्हारे बच्चे को जान का खतरा आने वाला है, थोड़ा संभल कर रहना होगा। ये एक आत्मा बोल रही है। वो आत्मा आपके परिवार में हाल ही फिलहाल में गुजरे हुए किसी रिश्तेदार की हो सकती है। ये समझे बिना क्यों भूत प्रेत बोलकर उस आत्मा को ठेस पहुंचा रही है? बेटा थोड़े दिन बाइक चलाना छोड़ दो, बाहर आते जाते रहोगे, थोड़ा संभल कर रहना, समझे? ठीक है पुजारी जी। सब अच्छा होगा, जाकर आइए। चलती हूँ पुजारी जी। ठीक है। दादाजी बैग मैंने अंदर रख दिया है, मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है बेटी। अरे जल्दी आओ, नारियल लेके आओ ना। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो। रिश्ता आना चाहिए, ऐसी पूजा कीजिए। नाम और नक्षत्र बताइए। प्रियन त्रिवुना नक्षत्र में हुआ है। हाय, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हाँ अच्छा। तुम भी ना। अच्छा तुम भी ना यार। देखो सारे कपल्स घूम रहे हैं। शिट, पता नहीं लोग पटाते कैसे हैं, मुझसे तो इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया जा रहा, क्या करते होंगे। देखो मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो एक डॉक्टर है, अगर मैं पेशेंट बन के जाऊं तो सुपर। क्या बेटी, कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं चाहिए। हाँ
जया, तुमने मसाला कूटने का पत्थर उठाया? ये लीजिए आपका पत्थर। ये पत्थर लेकर क्यों गई थी बेटा? क्यों लेकर जाऊंगी, कूटने के लिए ना। अच्छा, किसे? मेरे पैरों को। अजीब लड़की है ये। जल गए तो क्लिनिक कैसे जाऊंगी? बाप रे बाप, कितना गर्म है। लड़के अपनी जान भी दे देते हैं और मैं अपने शरीर में एक छोटा सा चोट भी नहीं लगा पा रही। छी, अब क्या करूं? अपने अंदर फीवर पैदा कर लेती हूं। Yes, I want fever. कषाय पियो। कषाय? छींक रही थी तुम, बुखार आ जाएगा। ठीक है आप जाइए, मैं पी लेती हूँ। पी लो बेटी। मैंने आपसे कहा ना दादाजी, मैं पी लूंगी, आप जाइए। भूलना मत पीने के लिए। नहीं बेटी, तुम चलो आओ। बच्ची मेरी बेटी, थोड़ी देर बाद 10 मिनट भाप लोगी, सर में जमा हुआ पानी सब निकल जाएगा। मैं नहीं आऊंगी प्लीज। चल मेरी बेटी, आजा 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 आजा, बैठ जा। दादाजी सब कुछ तेरे अच्छे के लिए बेटी। थोड़ी देर भाप से दम घुटेगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मेरा प्लान जाने बिना इस तरह पनिश कर रहे हैं। क्यों बेटी, बहुत ज्यादा भाप आ रहा है ना? अरे दादाजी बहुत ज्यादा है, सह नहीं पा रही हूँ मैं। थोड़ा सह लो बेटी, लेकिन चादर को मत निकालना। दादाजी यस, फीवर कंफर्म। आज प्रियन से मुलाकात करूंगी। Thank you.
मल्लिका। दास, मुर्गेशन, जया, जया, जया आपका ही नाम है ना? हाँ, डॉक्टर बुला रहे हैं। बैठ जाइए। क्या वो आज नहीं आए? छुट्टी पे हैं। बताइए क्या तकलीफ है आपको? फीवर है। कितने दिनों से है? 2 दिनों से। रनिंग नौसेर का? सांस लंबी लेके छोड़िए। तो देखो, इसका नाम है श्वेता, कोयंबटूर की है। मुझे नहीं देखना। इस लड़की में क्या कमी है बेटा? कितनी सुंदर तो है। अच्छी तो दिख रही है, बट हेल्दी नहीं है। इस लड़की को देखो, इसका नाम है दिव्या, चेन्नई में रहने वाली है। इस लड़की की डिटेल्स ये हैं। शाम को इससे मिलने चले। जया, खाना खाने चलते चलो। जया, खाना खाए बिना नहीं सोते हैं बेटा, चलो। अरे क्या बात है, तुम्हारा बदन इतना गर्म है, बुखार है क्या? नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ। नहीं बेटी, तुम्हारा बदन बहुत तप रहा है, चलो पास के डॉक्टर के पास चलते हैं, वहाँ दिखा कर आते हैं। नहीं दादाजी, बस थकान है, सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटी, तुम भी ठीक है, मैं दूध लेकर आता हूँ, वो पी करके सो जाना। ये लो दूध पीकर सो जाना, बिल्कुल मत छोड़ना बेटी। से पी लेना। ठीक है दादाजी।
चलें क्या माँ? ए, ये क्या कपड़े पहने हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं है। अच्छी तो है, चलो चलते हैं अब। अच्छे नहीं है बेटा, छोटे बच्चों जैसे लग रहे हो। कोई दूसरी फॉर्मल वगैरह तो पहनो। ये ठीक है माँ। अरे लड़की देखने जा रहे हैं, थोड़ा डिसेंट सा ड्रेस पहनो। चलो चलते। अब अच्छे लग रहे हो, डॉक्टर बोलने की जरूरत ही नहीं, देख के ही समझ जाएंगे। अगर आप कहो तो अपना स्टेथोस्कोप भी ले लूं। प्रियन बजे आएंगे। मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए। पेशेंट का नाम बताइए। जया। 12 बजे आ जाइए। ओके ओके थैंक यू। क्या हुआ माँ? टाइम हो रहा है, मुझे क्लिनिक जाना है। रुक जा बेटा, फोन करती हूँ। हेलो, क्या हुआ? हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। क्या हुआ माँ? नहीं बेटा, वो लड़की अपने लवर के साथ भाग गई। बहुत अच्छा माँ, कम से कम शादी के बाद तो नहीं भागी। चलो माँ चलते हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब बताओ बेटा, कैसा है तुम्हारा दर्द? आकर बेटा जी, बांध कर। दर्द हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। ओके। स्वामी जी, आपके लिए एक पार्सल आया है। थैंक यू सर। जया, ये देखो तुम्हारे लिए सेल फोन। थैंक यू, थैंक यू। सेल्फी लेते हैं।
बेटी जया, जया क्या बेटी इस समय तक सो रही हो? फीवर है शायद दादा जी। फीवर है? अरे क्या बेटी, पता नहीं, पूरा बदन आग की तरह तप रहा है। मैंने कल ही बोला था कि डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम मानी नहीं। अभी देखो फीवर ज्यादा हो गया ना, और बाहर बारिश भी बहुत ज्यादा है, अब कैसे जाकर डॉक्टर से मिलेंगे? ये कैसा प्रिस्क्रिप्शन है? डॉक्टर के पास गई थी? कब गई थी, मुझे बताया नहीं। इस टैबलेट को खाया है नहीं खाया? तुमसे पूछ रहा हूँ बेटी, तुमने खाया कि नहीं खाया? टैबलेट नहीं ली दादाजी। नहीं लिया? क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, बोलो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं लिया? दादाजी प्रियन नाम के एक लड़के से मुझे प्यार हो गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं उन्हें बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ। साइडेड लव है दादाजी, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये क्या पागलपन है बेटी, मुझे बताया होता तो मैं खुद जाकर के बात कर लेता। तुम्हारे पागलपन की कोई लिमिट नहीं है, अगर तुमने ये टैबलेट ली होती तो बुखार उतर जाता। फोन नहीं उठा रहे, मैं उस लड़के से क्लिनिक में मिल के आता हूँ, मैं ऑटो लेकर जा रहा हूँ। ऑटो, ऑटो, ऑटो नहीं मिल रहा है, बारिश भी थोड़ी कम हो गई है। हम लोग एक काम करते हैं, आप स्कूटर से चलते हैं।
सर मैं सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपकी कार में जो चीज थी वो हम रिटर्न करना भूल गए। अगर आप एड्रेस सेंड करिए तो मैं अपने लड़के को भेजता हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। क्या है प्रियन, छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हो, दूध गिर गया देखो। यस। ओके, गुड नाइट माँ। गुड नाइट। Thank you.
नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? नींद तो आ रही है माँ, लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ। अब जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक सपना आके डिस्टर्ब करता है। कैसा सपना? उसके बारे में पहले आपको बताया है ना, वही सपना मुझे बार बार आता है। ये कुछ और ही लग रहा है बेटा, ये सपने जैसा नहीं लग रहा है बेटा। माँ मैं वैसे ही कंफ्यूज हूँ, ये सब बोल के मुझे और कंफ्यूज मत करिए, आप जाके सो जाइए। यहीं पर सो गए? कितना अजीब से दिख रहे हो, जाओ अंदर जाके सो जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? जी जी ऐसा कुछ नहीं है माँ। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। भाई एक डाउट है सर। आपको सपने आते हैं क्या? आता है सर। नहीं एक सपना बार बार आता है क्या? हाँ आया है सर। कैसा सपना आता है, किस तरीके का? सर मैं बताता हूँ लेकिन किसी को बताना मत सर। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताओ। मेरी गर्लफ्रेंड मंजू मेरे सपने में बार बार आती है सर। बार बार सपने में आके क्या करती है वो? वो कुछ नहीं करती है सर, सब मैं ही करता हूँ सर। अरे आप क्या करते हैं, डिटेल में बताइए ना। नहीं सर मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप भी ना, जो सपना देखा है बताइए ना, उसमें कैसी शर्म? मेरी गर्लफ्रेंड मंजू थू। अरे रुक जाओ भाई, आपको शर्म नहीं आती है क्या? इतना गंदा सपना देखा और वो भी बता रहे हैं। छे स्वामी जी।
सॉरी। हेलो जया, बोलो प्रियन। फ्री हो ना तुम? फ्री हूँ। मुझे तुमसे मिलना है, कहाँ हो तुम? यहाँ हॉस्पिटल पर। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ जा। बाय। सपनों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही एक डाउट है यार। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, उसी के बारे में सपने आते हैं। जिससे तेरा कोई संबंध ना हो, उसके बारे में तूने कभी सपना देखा है क्या? नहीं यार, वैसे मैंने किसी को देखा नहीं अभी तक। यार मुझे बार बार एक सपना आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की मुझे फॉलो कर रही है, फिर उस लड़की का और एक बूढ़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सच में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। कैसे यार, चांस ही नहीं है। अच्छी तरह सोच के देख, सपने में देखे हुए लोगों को तू जरूर जानता होगा। किसी ना किसी जगह तूने एक बार तो देखा ही होगा ना? नहीं यार, आई एम श्योर मैंने उन दोनों को कभी नहीं देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो हर दिन ऐसा होने लगा है कि हर सपने में मुझे वो दिखाई देते हैं। ये सब मुझे अजीब लग रहा है। उस सपने के बारे में तूने कुछ ज्यादा ही सोचा होगा, उसे तूने अपने दिमाग में बिठा लिया है, इसलिए वो सपना तेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। बस इतना ही यार, इसके लिए तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? फ्री रहे यार, और उन सपनों को अपने दिमाग से निकाल दे यार। ये सब क्या है माँ? तुझे नहीं पता, किसी ने काला जादू करके रखा हुआ होगा, तेरा पैर पड़ गया होगा, इसीलिए बुरी आत्मा आती है। तुम इन सब पे विश्वास करती हो माँ? पता ना, एक कहावत है कि बीमारी को भी देखो और भूत प्रेत को भी, इसी तरह सब नजरिए से देखते हैं। जिस तरह तुम मरीज की जान नहीं बचा पाते तो कहते हो ना कि भगवान बचाएंगे, ठीक उसी तरह। वो सब ऐसा ही कहते हैं, ये ताबीज देखे उसने तुमसे बहुत सारे पैसे ऐठे होंगे। वो सब कुछ नहीं, सिर्फ 100 रुपया। मेरे जाते ही ताबीज उतार मत देना, वापस आके देखूंगी। माँ ये सब जो आप कर रही हैं उससे मुझे और डर लग रहा है। देखना आज कोई सपना नहीं आएगा, तू चैन से सोएगा। गुड नाइट।
के गुजरने के बाद हमने जायदाद और डॉक्यूमेंट्स कहाँ नहीं ढूंढे, लेकिन हमें नहीं मिले। फिर एक दिन मेरे सपनों में पापा ने आकर देखा, वो एक खिलौने के अंदर कुछ छुपा कर रख रहे थे। अगले दिन सुबह उठकर मैंने सारे खिलौनों को उठाकर देखा, उन्हीं में मेरे पापा के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। हमारे पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, उनकी आत्मा आज भी हमारे साथ ही है। साधारण हम जब सोते हैं और सपना आता है, वो सपना जो पुरानी यादों को याद दिलाता, हम एक सपना देखते हैं, ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, ऐसा इस तरह के सपने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सपना सच हुआ करके, तो क्या ये सपना हकीकत में सच होता है? सपने को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक मतलब का सपना और एक बिना मतलब का। बेमतलब का जो सपना है ना, वो जो अपने अंदर का मन है ना, उसके अंदर से बाहर आना उसकी परछाई है। जो दबी हुई यादें है ना, ये उसकी परछाई है। और मतलब वाला सपना अपने पुरुष लोगों की आत्मा के जरिए हमारी जो जरूरतें हैं उसे जान लेता है। उदाहरण के लिए हम एक परिवार ले लेते हैं, उसमें कोवोनंद के मरने से पहले कनील के सपने में कोवोनंद मरने जैसा सपना आया। उसी तरह गणित का गॉडफादर राम अंजार, बहुत सारे गणित नोट्स हैं, उन्होंने बोला कि सब उस नोट्स को सपने के जैसा देख रहे हैं। इसी तरह जो आने वाला खतरा है, मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इस बात को सपने में आया ऐसा बताते हैं। इसीलिए इस सपने को बार बार सोचकर आंखों की जरूरत है, जो संदेश चाहिए वो संदेश हमें मिल जाता है। Thank you.
कौन से हॉस्पिटल में है पता है? चेन्नई नेशनल हॉस्पिटल करके कुछ था। ओके थैंक यू। हाँ प्रियन। अरुण मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हाँ बोल। एक्सीडेंट केस का डेटा भेजना मुझे। क्यों चाहिए? अर्जेंट है यार, आके बताता हूँ ना। ठीक है मैं कलेक्ट करता हूँ, तू आ जा। ओके। हॉस्पिटल में है, अभी वो जिंदा है कि मर गई पता नहीं बेटा। एक्सीडेंट से उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई है, बट उसका दिमाग काफी अच्छा काम कर रहा है। एज ए डॉक्टर मुझे सब पता है, इस तरह के पेशेंट को हम सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं कर पाएंगे। जो पसंद है जो ना पसंद है उनकी आंखों के सामने लेकर आकर उसकी फीलिंग को जगाना होगा। हॉस्पिटल से अच्छा वो जहां रहना चाहती है वो मच बेटर है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में रहेगी तो उनकी पुरानी यादें उनको इफेक्ट करेंगी। ये पेशेंट के रिकवर होने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जाने अनजाने में मैं इसकी लाइफ से जुड़ गया यार। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो बुजुर्ग की आत्मा भी मेरे सपनों में आती है। उसे विश्वास है कि मैं इसे संभाल लूंगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कल रात तुझे कोई डरावना सपना आया बेटा? वो आपने 100 रुपए की ताबीज बांधी है ना, तो फिर कैसे आएगा? अब कुछ भी नहीं आता। मैंने बोला था ना, तो विश्वास नहीं हुआ, देखा ताबीज बांधते ही ठीक हो गया। ये लो संभाल के जाना। ठीक है माँ। हेलो। हाँ अरुण, हाँ
जया। बेटी तुम्हें आग से एलर्जी है करके इस तुम्हें एलर्जी है इसी को सोच करके मैंने घर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रखी, भगवान के सामने दिया भी नहीं जलाता, फिर ऐसा क्यों किया बेटी? आपका बर्थडे है ना दादाजी, इसीलिए केक काटने के लिए ऐसा किया। बॉडी पूरी डिकम्पोज हो गई है यार, ये उनकी चीजें हैं। और उनका फोन करप्ट हो गया, ऑन नहीं होगा। जया में अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, शी इज मच बेटर नाउ। इसी रेट में इम्प्रूवमेंट होता रहा तो श्योरली हम 100% रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। गो। आओ बेटे, अच्छे हो ना? और घर में सब ठीक है? सब लोग अच्छे हैं। ये कौन है? मेरी रिश्तेदार है। क्या हुआ इसे? एक एक्सीडेंट की वजह से ये ऐसी हो गई। ओह, फिकर मत करो, इस देवी से मिलने आ गए ना, सब कुछ ठीक होगा। पुजारी जी इसे देखिएगा, मैं एक कॉल लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, को व्हील चेयर पे जाते देखा क्या?
यहाँ किसी लड़की को व्हीलचेयर पे देखा क्या? नहीं, मैंने यहाँ तो किसी को नहीं देखा। When did it start having the symptoms? 2 months ago. Are you taking any medicines? Only my vitamins. Don't worry, everything is good. Pressure, normal temperature. Hello. Hello. Priyan, are you there? अगर तुम बुरा ना मानो तो बाद में कॉल करूँ. Okay, no problem. Okay, thank you. आज से एलर्जी, इसलिए मैंने घर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं रखी।
दादाजी से मिलना है, कहा था कि सुबह ही आ जाएंगे पर अब तक नहीं आए। इन्फॉर्म किया गया है वो आ जाएंगे। ठीक है फोन दे दीजिए, मुझे दादाजी से बात करनी है प्लीज। डॉक्टर 215 पेशेंट अपने दादाजी से मिलने के लिए जिद कर रही है। इस कंडीशन में ना बताऊं यही सोच रहा था, बट ये बात तुम्हें कमजोर करेगी इसलिए नहीं बता रहा था। तुम्हारे दादाजी उस एक्सीडेंट में गुजर गए। आ गया दिल
ओ मेरे यार तू ही मेरा प्यार, भाग गया दिल तुझे पा गया दिल, ओ मेरे यार तेरा इंतजार, मंजिल हो तुम मेरी मंजिल हो तुम, तुझसे करता हूँ मैं इकरार, दिल भर मेरे ओ दिल भर मेरे, तुझे माना है सब कुछ यार। क्लिनिक, मैं डॉक्टर प्रियन की रिश्तेदार हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने सुना था कि उनकी शादी होने वाली है। शादी हो गई क्या? आप बता सकते हैं? डॉक्टर जया नाम की लड़की आपके बारे में पूछ रही है कि आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई। वो मेरे साथ थी, इस बारे में उसे नहीं पता है माँ। वो तो ये जानती है कि मेरी और उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका दोस्त बनके उससे दोस्ती करूँ, पूरा शहर उसे घुमाऊँ, उसे जो चाहिए वो खरीद के दूँ, उसे जो पसंद हो वैसा करूँ। उसकी लाइफ में अब मैं हमेशा बहुत सारी खुशियाँ देखना चाहता हूँ माँ। तब अपने प्यार का इजहार करो। इस समय तुझे जो ठीक लगे वही कर बेटा। लव योर जर्नी। डॉक्टर प्रियान, ये लेट वासु जी का घर है। आइए। आपके ग्रैंडफादर कुछ दिन पहले मेरी क्लिनिक में आए थे फायर एलर्जी सॉल्यूशन के बारे में कंसल्ट करने के लिए। आपसे मिले थे वो? नहीं, डॉक्टर रेनू पॉल से मिले थे। ये लेंस ट्राई करना है, आप अपना चेहरा वॉश करके आएंगे प्लीज? ठीक है। ब्लिंक किए बिना सीधा देखिए। सॉरी।
इसे देखिए। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरिए मत। आपने जो पहना है ना, वो कलर ट्रांसप्लांट कॉन्टैक्ट लेंस है। वो फायर को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। एनीवे, अब आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब आप ठीक हैं। ये अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है। थैंक्स। आप अपने दादाजी को थैंक्स बोलिए। अगर वो आपके बारे में बताते नहीं तो मैं ऐसा कुछ करता नहीं।